नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि की हार्दिक बधाइयां। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने लाल कद्दू की चटनी बनाई है। कहीं इसे सब्जी बोलते हैं, कहीं इसे चटनी बोलते हैं, और हमारे कुमाऊनी में इसे कद्दू भी बोलते हैं, और वैसे इसका कद्दू होता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। ये कद्दू की सब्जी के लिए मैंने, ये हम भांग वाली कद्दू बना रहे थे, भांग वाली कद्दू के लिए मैंने कद्दू छील के काट के धो लिया है। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं। तो इसके लिए मैं एक लोहे की कढ़ाई ले लेती हूँ। तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई रख ली है। हम इसको बनाने के लिए सरसों तेल का यूज करेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा तेल का मात्रा ज़्यादा रखनी होती है। तो ये मैंने रख लिया है तेल, ये मैंने डाल लिया है। तो ये देखिए हमारा जो तेल गर्म हो गया, इसमें हम सबसे पहले अजवाइन डालते हैं क्योंकि कद्दू में अजवाइन का ही तड़का लगता है। तो ये हमने अजवाइन डाल दिया है। इसे चटकने देने के बाद, ये चटक गया है तो अब इसमें डाल देते हैं हम हींग। अब जो हमने ये कद्दू काटा है, जैसे अभी नॉर्मली वैसे ही सब्जी बनानी जैसे हम कद्दू की सब्जी बनाते हैं, ये हम सब्जी डाल देते हैं पूरी जो हमने कट की है। तो ये मैं इसको ऐसे हिला लेती हूँ नीचे से ऊपर तक, पूरा अजवाइन मिल जाएगा इसमें और हींग। तो हम इसमें मसाले वही यूज करेंगे जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ये एक छोटा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हम और यूज कर लेते हैं, और ये गरम मसाले। हम धनिया पाउडर इसमें 2 चम्मच यूज करेंगे। ये मैंने 2 चम्मच धनिया डाल दिया है। ये मैं नमक, नमक तो स्वाद अनुसार इस तरीके से। तो ये 2 हरी मिर्ची मैं यूज कर रही हूँ। मैं इसे ऐसे ही तोड़ के डाल देती हूँ। हम इस मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसे कवर करके पका लेते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे वरना ये नीचे लग जाएगी। कहीं इसे कद्दू की चटनी बोलते हैं, कहीं कद्दू की सब्जी बोलते हैं, कहीं कद्दू की भांग वाली सब्जी बोलते हैं। आप ये ज़रूर बताइए कि आपके वहाँ क्या बोलते हैं। इसे कुमाऊनी में ज़्यादातर लोग कद्दू बोलते हैं, वैसे इसे कद्दू बोलते हैं हिंदी में। तो ये देखिए हमने पूरा, हमारी कढ़ाई बड़ी हुई थी तो अब ये कद्दू कितना हो गया है। आप इसे बीच बीच में चलाते रहिए वरना ये जल जाएगा, लेकिन अब ये पकना भी शुरू हो गया है। तो इसे बीच बीच में चलाते रहिए। साथ ही में हमने ये भांग साफ कर लिया, इसमें गंदगी बहुत होती है ना, तो ये हमने साफ कर लिया। तो अब हम इसे एक कढ़ाई में भून लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये जब तक पक के रेडी होता है तब तक हम अपनी भांग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने भांग कढ़ाई में डाल लिया है, बिना किसी ऑयल वगैरह के हम इसे भून लेंगे। अभी ये गर्म नहीं हुआ है, हल्की ही आँच में भूनेंगे इसे। अभी गर्म नहीं हुआ तो इसलिए मैं हाथ से कर ले रही हूँ। जब ये भुन जाता है तो ऐसे आवाज भी करने लगता है तर तर, और ये उछलने लगता है। तो हम इसे सिलबट्टे में पीस लेंगे। इसे मैंने खाली कर दिया। तो ये देखिए मैं इसे ऐसे करके पीस लूंगी। ये गरम गरम है तो आसानी से पीसा जाता है। तो देखिए हमारा जो है कद्दू अच्छे से पक गया है, लेकिन इसने पानी छोड़ दिया है, और साथ ही मैंने मोटा मोटा ये जो है भांग पीस लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा गुड़ भी डालेंगे, हम थोड़ा सा गुड़ भी डाल लें, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो नहीं डालें। ये जैसे खट्टी मीठी नमकीन नहीं होती, ये उस टाइप की बनेगी। तो गुड़ अपने आप पिघल जाता है, तो इसमें मैंने इसे थोड़ा नहीं ऐसे ही डाल लिया। तो इस तरीके से थोड़ा गुड़ पिघलेगा तो हम इसमें भांग कैसे डालते हैं वो आपको बताती हूँ। इस तरीके से ये देखिए मैंने ये गुड़ डाला है, तो अभी ये पिघल जाएगा तभी ये खट्टी मीठी चटनी टाइप की बनेगी। जो भांग मैंने पीसा था वो मैंने कटोरे में ले लिया है, तो मैं इसमें पानी डालती हूँ इस तरीके से। साथ ही हमारा कद्दू पक भी गया है।
हम इसे छन्नी से छानते हुए डालेंगे और सब्जी को चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है तो इसलिए हम उसे तो इस तरीके से हम ये पानी को इसमें डालते रहेंगे और सब्जी को चला चला के पकाते रहेंगे, वरना हमारा जो ये भांग फट जाएगा। इस तरीके से हम इसे पकाते रहेंगे। तो देखिए हमने जो भांग डाला वो भी पकने लग गई, तो अब ये फटेगा नहीं। अगर हम इसे चलाते नहीं और थोड़ी देर में चलाते तो वो भांग फट जाती। तो इसे चलाते रहिए क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है, वरना ये फट जाएगी। तो ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बन गई है, चटनी सब्जी आप कुछ भी कह सकते हैं, आपके वहाँ जो कहते हैं। तो ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिसमें काजू बादाम और कुछ किशमिश हैं, तो ये भी मैं डाल रही हूँ इस तरीके से। तो अब हमारी ये सब्जी बन के हो गई है रेडी, तो हम इसे बंद कर देते हैं। और आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए।